प्रदेश के 18 मंडलों में एक एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्ता परक एवं उद्देश्य परक आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। योजना हेतु 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कामगारों श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हमने प्रदेश में प्रभावी वित्तीय अनुशासन लागू किया। जनता को सुविधाएं एवं राहत पहुंचाने के लिए धनराशि में कमी नहीं होने दी गई। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान निर्बाध बना रहा। हमारे प्रयासों का सार्थक परिणाम है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पुनः गति पकड़ रही है। मानवर हमारी सरकार किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दोगुना किए जाने के लक्ष्य के प्राप्ति संकल्पित है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक संबंधित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है के परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मानवर वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए एक अत्यंत चुनौती भरा वर्ष रहा। विश्व के महाशक्ति कहे जाने वाले देशों की चिकित्सा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कोविड-19 वैश्विक महामारी के समक्ष असहाय दिखी। भय मृत्यु और लाचारी के उस अंधकार भरे काल में भारत के नेतृत्व और भारत की जनता ने पूरे विश्व के समक्ष अनुशासन संयम और कर्मठता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों चिकित्सकों पैरामेडिकल कर्मियों पुलिस बल सरकारी कर्मचारियों और जन सामान्य ने कोविड-19 की विभीषिका के समक्ष जिस एकजुटता और जुझारूपन का परिचय दिया उसका वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं है। कुल 54 लाख से अधिक व्यक्तियों को भरण पोषण सहायता प्रदान की गई। प्रदेश के निर्धन वर्ग के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई। मनरेगा कार्ड धारकों को भी निःशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई। पहली बार शहरी क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों के लिए इस अवधि में लगभग 10,35,000 नए राशन कार्ड बनाए गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के दौरान प्रदेश में क्षतिग्रस्त राजकीय संपत्तियों की क्षति करने वाले दोषी व्यक्तियों से 23,36,000 रुपए की वसूली क्षतिपूर्ति के रूप में की गई। आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई संपत्तियों में से लगभग 1,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध संपत्तियों पर सरकारी जमीन अवमुक्त कराने ध्वस्तीकरण जब्तीकरण की कार्रवाई की गई तथा इनके लगभग 150 से अधिक शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। गोवंश संरक्षण एवं निराश्रित पशुओं की देखभाल गोवंश संरक्षण एवं बेसहारा पशुओं के भरण पोषण हेतु प्रदेश में 5206 गो आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें संरक्षित गोवंश की संख्या 5,58,000 है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने हेतु 1,073 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 19 जनपदों में 16 खेलों के लिए 44 आवासीय छात्रावास स्थापित हैं, जिनमें 220 बालिकाएं एवं 670 बालकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन प्रशिक्षार्थियों को खेल के साथ साथ स्थानीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पाइप पेयजल की व्यवस्था सम्मिलित है। गाँव में पाइप पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था जल जीवन मिशन ग्रामीणों के अंतर्गत कराई जा रही है। जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी घरों तक जल संयोजन पहुंच योजना हेतु 15,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी हेतु 1,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रदेश के 651
नगरीय निकाय QCI से प्रमाणित ODF है। व्यक्तिगत शौचालयों के लिए निर्धारित लक्ष्य 8,88,000 को शत प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ नॉन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ानों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की इस नीति के परिणाम स्वरूप विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल। नमस्कार जनता, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट की। योगी सरकार के पूर्ण बजट की बात करें तो आखिरी बजट कहा जा सकता है ये इस कार्यकाल का। 5,50,270 करोड़ के आकार का बजट तैयार किया गया है। और अगर हम बात करें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी कुछ इसमें बजट एलोकेशन कह सकते हैं। एग्रीकल्चर, युवा, महिला, जिनके एक उम्मीद भी थी पहले से कि सरकार इस ओर ध्यान दे सकती है। एयरपोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज, सड़कों का जाल फैलेगा। लेकिन बड़ी बात अगर हम इसमें कहें तो एक बार फिर समीक्षक के नाते अगर बात करें तो भगवान राम के द्वार फिर योगी दिखाई दे रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने बजट पेश किया है और तमाम साथियों ने बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लगाए। और जैसे अयोध्या की बात आ रही थी, चित्रकूट के विकास की बात आ रही थी, तो यही कहा जा रहा था अयोध्या का एयरपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से होगा। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और बजट के क्या मायने हो सकते हैं, क्या कुछ खास है। चुनावी साल का बजट, आने वाले दिनों में चुनाव होगा, इस तरह के बजट की एक अपेक्षा भी थी कि सरकार दिल खोल करके अपने पिटारे से सौगाते बांटेगी। तो चलिए हमारे साथ भाजपा नेत्री अलका जी लखनऊ से जुड़ी हुई है, बाराबंकी से व्यवसायी अनुपम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी अरुण मिश्रा जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिभु श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी नेत्री और पूर्व राज्य मंत्री हमारे साथ बनारस से जुड़ रही हैं, साईद खान साहब हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले बजट को अगर एक पारखी नजर से देखें, उम्मीद थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पूर्ण बजट की बात करें तो आखिरी बजट है योगी सरकार का। बजट साथ इसी तरह का आना था, लेकिन अगर देखें तो जो तस्वीर दिखाई दे रही है बजट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी कुछ दिल खोल करके सौगातें दी गई हैं, लेकिन ये सब होगा कैसे, जनता के जेहन में ये सवाल आएगा। योगेन जी आपने बिल्कुल सही कहा। निश्चित तौर पर एक तो यह उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का ये अंतिम बजट माना जाएगा और इस बजट को पेश करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना के द्वारा यह बजट पेश किया गया और ये लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक बजट चला। इसकी तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी और एक नया पहलू इसमें जोड़ा गया कि पेपरलेस बजट पेश किया गया और उस पेपरलेस बजट के साथ में एक ये कहा गया सरकार की तरफ से कि लगभग 5,50,270 करोड़ 78 लाख का ये बजट पेश किया गया। उसमें लगभग सभी चीजों को छूने की कोशिश की गई है। विशेष महत्व जो दिया गया है बजट वो खास करके चाहे वो अयोध्या से जुड़े मसले हों, सांस्कृतिक चीजों से जुड़े हुए मसले हों, वाराणसी से जुड़ा हुआ मसला हो, इन चीजों को भी प्राथमिकताएं दी गई हैं। इसके साथ ही जो अन्य प्राथमिकताओं में सरकार के रहा है, सड़क, पानी, बिजली या शिक्षा के विषय पर, उसमें भी अपनी तरफ से उसने प्रयास किया है। देखने की बात यह होगी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बजट पेश करते हुए अपने 3 वर्षों की उपलब्धि के बारे में, विगत जो 4th वर्ष का संपूर्ण किया उन्होंने, उसकी उपलब्धियों के बारे में जिक्र करते हुए ये दावा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि हम जो हमारे अधूरे काम रह गए हैं और जिन क्षेत्रों में हम अभी चीजों को जो हमारी तय सीमाएं थी वहां तक नहीं, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, वहां तक पहुंचने का हमारी तरफ से प्रयास किया जाएगा। देखने की बात यह होगी कि कितना जमीन पर या धरातल पर उतारने पर में उत्तर प्रदेश सरकार खास करके इसमें कामयाब होती है, ये आने वाले समय में देखने की बात होगी। विशेषकर बात जहां तक विपक्ष का सवाल है, वो निश्चित तौर पर इस विषय पर सवाल उठा रहा है, खास करके गन्ना किसानों की बात करो, क्योंकि वर्तमान समय में आप देख ही रहे होंगे कि केंद्र सरकार के कुछ किसान से संबंधित बिल को लेकर जिस तरह से नाराजगियां चल रही हैं, तो इस पर 1,000 करोड़ गन्ना भुगतान के लिए जरूर। अरुण जी वापस लौटूंगा आपके पास में, तो मिशन 2022 को लेकर के योगी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट कहा जा सकता है। सुरेश खन्ना जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसे पेश किया है और पूरी तरह से कोशिश की गई है कि हर तबके का ख्याल रखा जाए।
चलिए मैं एक बार रुख करना चाहूंगा अनुपम जी का। अनुपम जी आपके पास आना चाहूंगा, आप एक व्यवसायी हैं, आपको बजट को लेकर पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं, क्या कहेंगे बजट? सर्वप्रथम मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आज का बजट उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, और चाहे वो सड़क को लेकर हो, पानी को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो और कृषि को लेकर, सारा कुल मिला के बजट बहुत ही अच्छा रहा है। मगर अगर देखा जाए तो व्यापारी व्यापारी के लिए आज कुछ बजट में, कुछ योजना में कुछ कमी दिखाई थी बजट, और बजट अगर व्यापारी कहा जाए तो इस देश की प्रदेश की रीढ़ होता है, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि योगी जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि व्यापारियों के लिए एक तो विशेष ध्यान रखा जाए, और एक खास तौर से पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं, जिसपे उनसे एक निवेदन रहेगा कि अगर वैट कुछ कम करें तो पेट्रोल डीजल से लोगों को राहत मिलेगी, अगर रेटों को लेकर तो कुल मिला के हम हमारे जितना भी सामान होता है, जितनी भी हमारी जरूरत के आम जनता का सामान होता है, तो उसमें भी लोगों को राहत मिल जाएगी। तो और बाकी जो योगी जी ने आज औद्योगिक पार्क के लिए जो बनाने का निर्णय लिया है वो बहुत ही अभूतपूर्व है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। जी बिल्कुल अनुपम जी सही है कि सरकार को व्यापारियों की ओर वो ध्यान देना चाहिए। महंगाई केवल एक व्यापारी की परेशानी पूरे हिंदुस्तान की है, हर राज्य में रहने वाले उस व्यक्ति की है जो महंगाई से जूझ रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक परेशानी का विषय है। इसके केंद्र और राज्य को कुछ मिलकर के कदम उठाने चाहिए। अब मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक एहसास होने लगा है कि महंगाई है। चलिए अलका जी आपकी तरफ आना चाहूंगा मैं एक बार। मिशन 2022 को लेकर के बजट रखा गया ये, लेकिन ये प्रतिपक्ष की ओर से सवाल जरूर आएगा, जैसे मैं भी देख भी रहा था अखिलेश यादव का स्टेटमेंट कि ये सब कुछ पहले से थी, रेवड़ियां बांटने से काम नहीं चलता है, ये करेंगे कैसे पूरा, समय तो है ही नहीं योगी सरकार के पास में। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि जो ये पेपरलेस बजट यूपी सरकार में आई अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, और अगर विगत 3 वर्षों का देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है, चाहे बिजली आपूर्ति का हो या महिला के महिला अपराधों को जोड़ने का हो, या जो भी प्रवासी मजदूर कोरोना के टाइम लौट के आए हैं उनको सहायता प्रदान करना हो, नई नई योजनाएं लाई गई हैं और लोगों और उसको बहुत अच्छे से क्रियान्वित भी कराया गया है। तो अभी हमारे पास 4 साल जैसे पूरे हुए हैं, तो जैसे बजट आया है आप विपक्षों को भी बात सुन रहे हैं, बजट बहुत अच्छा। अनुशासन लागू किया, जनता को सुविधाएं एवं राहत पहुंचाने के लिए धनराशि में कमी नहीं होने दी गई, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान निर्बाध बना रहा। हमारे प्रयासों का सार्थक परिणाम है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पुनः गति पकड़ रही है। मानवर हमारी सरकार किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दोगुना किए जाने के लक्ष्य के प्राप्ति संकल्पित है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक संबंधित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती न्यूनतम मूल्य है वो उन्होंने इसमें नहीं दिया, MSP जो गेहूं का है उन्होंने इसमें वो नहीं दिया, जो गन्ने का है उन्होंने वो नहीं दिया इसमें। तो ये एक चीज जो हम लेके चल रहे हैं इसके बहुत जरूरी है, और दूसरे इन्होंने जो कॉलेज से दिया है, क्या से ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है, कि बच्चों की आवाज आ रही है, तो साइलेंट नो, 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 नो सर जी आ रही आवाज जी? हाँ साईं साहब कंटिन्यू सर। हाँ इन्होंने बजट में सबको कुछ ना कुछ दिया है और बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, और ये बजट एक तरीके कहा जाए सबको खुश करने वाला बजट है, लेकिन सिर्फ खुश करने वाला बजट।
अब ये कह रहे हैं सबसे बड़ा बजट है ये 5,50,270 करोड़ का। तो मैं जानना चाहूंगा जो पिछला बजट है अभी उसकी योजनाएं पूरी नहीं हुई और ये ऊपर से इतना बड़ा बजट ये दिखा रहे हैं, पेश कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इस बजट को क्या कहा जाए, ये चुनावी बजट है या इनका विकास बजट है? क्यों नहीं हुई जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था इतने अरसे में, लॉकडाउन के अंदर तो सारी योजनाएं देनी चाहिए, लेकिन और वो इन्होंने योजनाएं कंप्लीट नहीं की। आनंद फानंद में इन्होंने भी कुछ दिन पहले मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद उनको निर्देश ये दिए गए कि आप ये जो काम है इनको पूरे कराइए, जो प्राइमरी स्कूल जर्जर है इनको आप कंप्लीट कराइए। तो मैं जानना चाहता हूँ प्राइमरी स्कूल जो जर्जर है, ठीक है अच्छी बात है आपने करा रहे हैं, 4 साल तक क्या होता रहा किसानों के लिए? आज जो किसान है जूझ रहा है, नहर के लिए आपने 600 करोड़ रुपया दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन वो नहर का पानी खेतों तक कैसे पहुंचेगा उसके लिए आपने क्या किया? जो छात्र है छात्रों के लिए भी आपने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन अभी जो कोरोना में एक साल गूंज गया उससे पहले जो 2019 था उसमें आपने छात्रों के लिए क्या दिया? साहित साहब वापस आ रहा हूँ आपके पास, वापस आ रहा हूँ मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मैं अरुण मिश्रा जी की ओर जाना चाहूंगा एक बार में। अरुण जी दो बातें यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। ये जैसे तस्वीर दिखाई दे रही है बजट की वो तो साफ है कि 2022 में चुनाव है और कहीं क्यों योगी सरकार ने कोई अपराध नहीं किया है, हर जगह यही होता है। जो आखिरी बजट होता है वो इसी तरह का, उस पे पूरा इलेक्शन का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और वो उसी के सांचे में ढला होता है, एक तो बात ये। दूसरा, आप सबने वो तस्वीरें देखी है कोरोना काल में, ठीक लगभग 11 महीने पहले, अगर मैं देख सकता हूँ आपको 11 महीने कितनी देखी, सबने देखी, हिंदुस्तान ने देखी, बच्चों की आवाज आ रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। किसी को जोड़ने का प्रयास है, उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। जी अरुण जी, तो बड़ी स्थिति यह है कि वो मजदूर, वो जो प्रवासी निकल निकल करके जा रहे थे, इस बजट से उनको कुछ रिलीफ मिलेगा? उनके जो झाले पड़े उस समय, छाले पड़े पांव में, उसमें कुछ मरहम लग पाएगा? योगेंद्र जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से जो ये बजट पेश किया गया उसमें इस बात का तो जिक्र किया गया, दावा तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है कि लगभग 40 लाख प्रवासी मजदूरों को वो गंतव्य तक पहुंचाया, उनके खान पान रहन सहन उसकी व्यवस्था की कोरोना काल में। लेकिन जमीन पर कितनी जो सुविधाएं हैं या चीजें हैं उसमें पहुंची और कालांतर में उसमें कितना उनको लाभ मिला, यह तो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब जनमत अपना मत प्रदर्शन करेगी तो उसी से उसका अंदाजा आप लगा पाएंगे सही सही अगर देखा जाए तो। रहा सवाल सरकार के दावे करने का, तो निश्चित तौर पे उस समय जो प्रशासनिक अमला था उसने एक अपना प्रयास पूरा यह इस बात का किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है मदद पहुंचाए जाने की कोशिश की जाए। उस समय अगर आपको याद होगा तो हमारे यहाँ चैनल पर चर्चा भी जब इस विषय पर हो रही थी तो उस समय तत्कालीन समय में जहां जहां जिस तरीके की मदद की आवश्यकता थी योगी सरकार की तरफ से जो निर्धारित उनकी 11 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी थी उस कमेटी के माध्यम से ये प्रयास जारी किए गए थे और प्रयास के कुछ प्रयासों की हम लोग के द्वारा सराहना भी की गई थी और प्रतिपक्ष द्वारा कई प्रयासों में जहां पर लोगों तक सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंचा था तो सवाल भी खड़े किए गए थे, खास करके उनके रहन सहन और खान पान की व्यवस्था को लेकर के और कम से कम परिचालन की व्यवस्था को लेकर के। एक विशेष विषय भी आया था आपका, राजस्थान से जुड़ा हुआ ही विषय था, वहां से बसों के माध्यम से जो प्रवासी मजदूर जो दूसरे प्रांतों में थे उनको लाने की बात जहां तक। इसी तरीके से सरकार जब अंतिम वर्ष में अपना बजट पेश करती है तो निश्चित तौर पर लोक लुभावन बजट ही आप उसको कह सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पहलुओं को छूने का प्रयास किया जाता है और विशेषकर हर राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, अपने अंतिम बजट को पेश करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखता है कि वह अपने मतदाताओं को, खास करके वो जिन वर्गों को वो खासकर प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, उनको वो कितना आकर्षित अपने अंतिम बजट में कर पाए, और इसका पूरा ख्याल उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने रखा है। और इसी के क्रम में जो पुराने घटनाक्रम हो उस पर उतना बजट अलॉट करने की बजाय नई चीजों को, जैसे कि कानपुर में मेट्रो के लिए 560 करोड़ रुपए का इनिशियल बजट आवंटित कर दिया गया, राम मंदिर के परिचालन से लेकर के वहां पे भव्यता से लेकर के वहां स्टेशन एयरपोर्ट से लेकर के बाकी चीजों के विषय पर ध्यान दिया गया। इसी तरह कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, औद्योगिक बंधु की बात हो रही है, यहां तक कि किसानों को 600 करोड़ रुपए का बजट दे दिया गया है उनके पेंशन के लिए,
तो निश्चित तौर पर देखने की बात यह है कि प्रतिपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है, आम जनमानस के मन में भी ये सवाल जरूर गूंजेगा कि क्या किसानों के अगर ये सारी चीजें तो पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सारी चीजें अगर धरातल पे उतर पाती हैं तो मेट्रो मेट्रो सिटीज का एक बहुत बड़ा हब होगा उत्तर प्रदेश। एक मैं और सवाल जानना चाहूंगा, मैं अभी अनुपम अग्रवाल जी के पास में जाना चाहूंगा। अनुपम जी आपके पास आना चाहूंगा, सिटी का बड़ा जिक्र हुआ था, सिटी को लेकर टूरिज्म को लेकर के तो जिक्र है हर जगह, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे आगरा हो, चाहे दूसरे गोरखपुर हो, सब जगह जो बड़े शहर हैं सब जगह जिक्र किया है कि टूरिज्म को डेवलपमेंट, टूरिज्म को विकसित करने के लिए सड़कों का जो जाल बिछाने की बात कही है निश्चित रूप से उससे सहज होगा। लेकिन मेट्रो की बात की जा रही है कि मेट्रो कई शहरों में मेट्रो दे रहे हैं 100 करोड़ रुपए, लेकिन 100 करोड़ से मेट्रो में कुछ होगा नहीं, कहीं पे कुछ और दिया जा रहा है। तो ये व्यापारी कोई भी हो, व्यापारी देखे आपका हो सकता है कि दूसरे सेक्टर का व्यापार हो, लेकिन व्यापारी व्यापारी होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर और टूरिज्म को लेकर के जो सरकार ने खास फोकस किया है उससे कुछ रिजल्ट निकल पाएंगे? नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा। और देखिए अगर टूरिज्म भी अगर हमारे प्रदेश में आता है तो उससे व्यापारियों को ही लाभ मिलेगा कुल मिला के, और सड़कों का जाल बिछता है तो उससे भी व्यापारियों को लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, और आम जनता को लाभ मिलेगा, और व्यापारी भी कहीं ना कहीं आम जनता ही है जी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है साहब इसके साथ में है कि कानून व्यवस्था, देखिए सत्य है इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बर्दाश्त नहीं की जाती है जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, एनकाउंटर भी काफी हुए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जैसे एक आम आदमी चाहता है कि मैं किसी तरह का कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं हो, मैं अपना काम करूं, घटनाएं आज भी थम नहीं पा रही हैं, मैसेज चाहे वो अभय दुबे का मामला हो चाहे दूसरे हो देने की कोशिश की गई हो, अभी हाल ही में जो वर्दी पे हमला हुआ तो उस दबंग को मार गिराया गया, लेकिन ये सब कुछ सोसाइटी में दो नजरिए होते हैं देखने के। लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के मैं जरूर चाहूंगा कि व्यापारी जो हैं, कई लोगों की बात होती है तो वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार को फोकस करना चाहिए, तो बजट में कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि लॉ एंड ऑर्डर से हमें वो सिक्योरिटी मिल पाएगी कि जो सरकार पैसा देगी? अभी मैं ये कहना चाहूंगा, योगी जी को इस चीज के लिए बधाई देना चाहूंगा कि व्यापारी जो पहले की जो सरकारें होती थी उसमें बहुत ज्यादा सहमा रहता था, तो इस सरकार में कम से कम व्यापारी के लिए ये हितकर है कि उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेके वो व्यापारी अब डरता नहीं है, कम से कम अब पुलिस चौकी में थाने में जाने में, पहले बहुत छोटा व्यापारी बहुत घबराता था, तो वो स्थिति अब नहीं रहेगी, तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, और बधाई इस बात की भी है, मुझे लगता है सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पेपरलेस बजट है, एटलीस्ट हमारे इतने पेड़ों की कटाई होती है, कागज बर्बाद होता है, एक अच्छी दिशा में कदम कहूंगा मैं। अलका जी आपके पास आना चाहूंगा, आपकी बात महिलाओं के लिए बात की गई है, महिला शक्ति केंद्र भी होंगे, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी होगी महिलाओं के लिए, जो ऑलरेडी जो सेंटर चल रहे हैं और जो हेल्पलाइन चल रही हैं उनके लिए भी, योगी जी ने पहले ये भी बीच में अनाउंसमेंट किया था कि जो बदमाश होंगे उनके चौराहे पे फोटो लगाई जाएंगी अगर महिलाओं के साथ में कोई रेप करता है, छेड़छाड़ किस तरह की घटना होती सार्वजनिक रूप से उन्हें बताया जाएगा है। लेकिन जो बजट अलोकेशन है अगर देखें महिलाओं के लिए तो आप इसे सफिशियंट मानती हैं? 32 करोड़ महिला शक्ति केंद्रों के लिए अपराध की रोकथाम के लिए, लेकिन कितना होगा ये बजट सफिशियंट मानती हैं? क्योंकि महिला दिवस भी आने वाला है और जिस तरह की एक उम्मीद की जा रही थी बजट में, खासकर विमेन कॉलेज की बात करें या फिर उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो ऐसे कुछ प्रयास इसमें दिखाई दे रहे हैं? अलका जी आप अनम्यूट करिए, इसे म्यूट है अलका जी, म्यूट है आपका, आपका म्यूट किया हुआ है हमने, अनम्यूट करिए जी। जी अलका जी, हेलो यार। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, ये बजट बिल्कुल ही संपूर्ण है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि योगी जी ने विगत 3 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, जैसा कि अनुपम जी ने बोला। दूसरा मैं अरुण जी की बात पे मैं बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल भी लुभावन बजट नहीं है, जिसने भी जो भी गवर्नमेंट का, हम तो ये मानते हैं कि योगी जी के कार्यकाल का ये अंतिम बजट नहीं है, अगले जो भी इलेक्शन होंगे 2022 में वोटों से पता ही चल जाएगा कि कोरोना जैसी महामारी में सरकार ने कितना काम किया है मजदूरों के लिए, वोट के जरिए पता ही चल जाएंगे। दूसरी बात यहाँ जी, चलिए अलका जी मैं लौटूंगा, कोई टेक्निकल खामी से अलका जी हमारे साथ अभी
जी अलका जी, हाँ अलका जी कंटिन्यू करिए आप, अलका जी बोलिए, अलका जी बोलिए। हेलो, और हम लोग आ रही आवाज, और रही योजनाओं के, लोग योजनाओं पे ही काम करते हैं। सोलर योजना एक आई थी गवर्नमेंट की, जिसमें किसानों को मुफ्त सोलर प्लांट का प्रावधान दिया गया था, जिसकी सिंचाई में उनको होगी, तो जमीनी काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं काम हो रहा है। जो भी योजनाएं हैं, जो भी इन्होंने बजट में पेश की गई हैं, पेश की गई, आरोग्य मेला लग रहा है हर संडे, मेरे डॉक्टर संपर्क में है, कानून व्यवस्था की बात तो अनुपम जी जैसे बोल रहे हैं, और बाकी आप अगर बाहर जनता से फीडबैक लेंगे तो कानून व्यवस्था काफी सुधरी हुई है। अगर आप जाइए किसी को फोन करिए, तुरंत समाधान है, तो कानून व्यवस्था से लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। रही रोजगार की बात, तो गवर्नमेंट का हमेशा से एक ही एजेंडा रहा है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। तो आत्मनिर्भर भारत का जो एजेंडा है वो महिला पुरुषों दोनों पर लागू होता है। महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना है और पुरुषों को भी आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए गवर्नमेंट कई योजनाओं पर काम कर रही है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें हमारी खुद की सोच है, अगर हम केवल नौकरी के लिए ही दौड़ करें, नौकरी ही जी। जो टूरिज्म की बात हो रही है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि राम मंदिर, कितना भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या हो रहा है। अगर ये जो एयरपोर्ट जो बन रहा है, एयरपोर्ट बन जाएगा, इसके बाद जितने भी टूरिस्ट आएंगे, इससे व्यापारियों को लेके हर एक को फायदा होगा, इकोनॉमिक डेवलप होगी, तो हमारा यूपी भी डेवलप होगा। तो योगी जी का यही एक संदेश है कि हमारा बजट ऐसा हो ताकि ज्यादा से ज्यादा और पैसा आए, हर तबका सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने, और जो भी ये बजट पेश किया गया है बिल्कुल इन पे काम होगा और जरूर काम होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अनुपम जी आपके पास आना चाहूंगा। पैरामीटर विकास का ये रह गया है कि आपके राज्य में जो एटमोस्फेयर है व्यापारी के लिए वो कैसा है और निवेश कितना आ पाता है, सबसे बड़ी बात यह होती है। लेकिन इस बजट से अगर हम देखें, पिछले 3 साल में योगी साहब के सरकार का कार्यकाल रहा जो देखें अपन, तो निवेश के लिए कितना एक धरातल पे माहौल बन पाया, कितना आ पाया, उसकी कुछ तस्वीर हम बयां कर सकते हैं यहाँ पे कि हाँ बिल्कुल निवेश के लिए एक बहुत अच्छा एक एटमोसफेयर मिला है और लोग आए भी हैं, क्योंकि आज देखे सरकारी नौकरियां कम है, वो निवेश आता है, कोई इंडस्ट्री लगाता है तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी होता है, वो केवल एक निवेशक ही नहीं होता है, तो उस दिशा के लिए मैं जानना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल, प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर से बात की जाए, पिछले कुछ सालों से जो पहले सरकारें रही हैं, तो कोई भी निवेशक, कोई भी बड़ी कंपनी यहाँ पर आना ही नहीं चाहती थी, उसको डर लगता था कि यहाँ पर आएंगे तो कुछ हम यहाँ पनप नहीं पाएंगे। तो उस तरीके के लिए अगर इस भाजपा सरकार में वो बहुत ही अच्छा माहौल बना है, बड़े बड़े उद्यमियों के लिए भी और जितने भी छोटे व्यापारी हैं सभी के लिए अच्छा माहौल बना है। मगर फिर भी मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा, ये जो कोरोना काल आया, ये हालांकि इस कोरोना काल में व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, तो उसके लिए कुछ व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए मैं खासतौर से निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि कुछ ऐसी योजनाएं छोटे व्यापारियों, छोटे उद्यमियों के लिए लेकर आए, जिससे उनको या तो कुछ उनको कम ब्याज पे उनको लोन मिल सके या कोई और स्कीम निकाल सके, ताकि यहाँ पे वो छोटा व्यापार भी पनप सके। जैसे किसानों के लिए रखा सर इन्होंने कि जो फाइनेंस किया जाएगा उनको कम ब्याज दर पे किया जाएगा, तो ऐसा कुछ एक अभी कहीं पे मैं डिमांड भी सुन रहा था किसी स्टेट की बात है कि अगर जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसी तरह से व्यापारी को भी कोई इंडस्ट्रियल क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि वक्त आ चुका है कि कहीं एनपीए जैसी स्थिति बनती है तो एटलीस्ट उस कार्ड के माध्यम से कैसे भी एक बार तो उसे बाहर निकला जा सकता है। अनुपम जी आप लोग सभी बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, बने रहिए अर्जन टीवी के साथ। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं प्रदेश का बजट
योगी सरकार का बजट इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट इसे कहा जा सकता है। चलिए मैं रुक करना चाहूंगा अलीगढ़ साहिद शेख साहब का। साहिद साहब आपके पास आना चाहूंगा। अनुपम अग्रवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं। उनका कहना है कि पहले की जो सरकारें हैं वह सब ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाई ताकि निर्भीक होकर कोई व्यापारी आ सके। अब कम से कम योगी सरकार इस ओर ध्यान दे रही है तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो सवाल ये है कि पहले की जो गिनती गिना रहे हैं ये लोग, पहले जो काम किए हैं कांग्रेस ने, आज वो सब उसी का तो चेक कैश करा रहे हैं। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की बात या डर की बात, तो आप जानते हैं, आप सब देख रहे हैं, जमाना देख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी के अंदर कितना सक्सेसफुल है। खुद पुलिस वाले जिसमें सेफ ना हो, पुलिस प्रशासन सेफ ना हो, तो वहां लॉ एंड ऑर्डर की अहमियत रह जाती है, आप जानते हैं इस चीज को। रही महिला की बात शक्तिकरण की, महिला की क्या अहमियत है, महिला की क्या कौन सुनता है, महिला के साथ क्या हो रहा है, FIR तक लॉज नहीं हो पाती, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? महिला सेफ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो प्रशासन है वो सेफ नहीं है, उसके लिए हम क्या कहें? इसके लिए भी तो कह रहा है पिछले साल को, पिछली जो सरकार है वो तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आपने हर चीज के लिए कुछ ना कुछ दिया, कोरोना काल के लिए आपने क्या दिया, सब कुछ पब्लिक ने किया। अगर गेहूं और चावल से या चने से अगर पेट भरता तो कितना अच्छा होता। आपने 50 करोड़ रुपया इसके लिए दिया कोरोना, जो कोरोना है, कोरोना से 50 करोड़ रुपए का भला नहीं होता। इसमें कम से कम 1/3 देना चाहिए था कोरोना में, सैनिटाइजर मास्क जितनी भी चीजें हैं इसको आम कर दी जाती है, कम से कम पब्लिक एक बार उसको लेना चाहे तो उसको ले सकती है। जो गरीब आदमी पहुंच से बाहर है, अगर आज लॉकडाउन की अहमियत वही हो जाए जो बॉम्बे के अंदर है, तो क्या होगा? ये बजट सब रखा रह जाएगा। पहले हमें सबसे पहले जिस चीज से आज पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है, हमें पहले सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए का बजट। अभी अगर आप उठा के देखें कि साहब यूपी में कितना है, साहब 6000 करोड़ खर्च हो गया। किस पे खर्च हो गया साहब? सैनिटाइजर पे खर्च हो गया, नगर निगम पे खर्च हो गया, लेकिन बजट के नाम पर सिर्फ 50 करोड़ रुपया। रही उसमें छात्रों की बात, तो छात्रों के लिए जो आपने दिया है वो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि इसमें 2020 तो चला गया आपके कोरोना काल में, सीएए के अंदर, उससे पहले जो 19 का बजट था उसमें छात्रों के लिए जो आपने बजट पेश किया वो आपने सब प्रयागराज 46,000 करोड़ का बजट उसमें डाल दिया। किसी भी स्कॉलरशिप को 4,000-2,000 से ज्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिली, वो बहुत ही भाग्यवान होगा जिसको 50 या 60 हजार की स्कॉलरशिप मिली होगी। आखिर छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं आप? भाई पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया जभी तो होगा। बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? आपने कहा 1 से लेकर 8 तक हमने किताबों का कोर्स फ्री कर दिया, अच्छी बात है, ड्रेस फ्री की अच्छी बात है, ये एक ही बार तो आएगा ना। जहां गांव के अंदर जहां पानी है, सड़कें भीगी पड़ी हैं, गड्ढे टूटे पड़े हैं, वहां बच्चा किस तरीके से स्कूल जाता है? अगर आप उसकी जगह ये करते, परिवहन पर खर्च करते कि बच्चे को घर से यहां तक स्कूल तक एक वैन लेके आएगी या बस लेके आएगी, तो कितना अच्छा था। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। जो मंजिल तक पहुंच के पहुंच ना सके उसे कोई रस्ते को रास्ता कहते हैं? 2-4 कदम चलने को चलना कहते हैं? अलका जी से जवाब दिलवाऊंगा इस पे आपका। और मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। जैसे अयोध्या का नाम आ रहा था तो तालियां बहुत जबरदस्त तरीके से बजाई जा रही थी, मेज थपथपाई जा रही थी, योगी आदित्यनाथ खुद ही बजा रहे थे, जय श्री राम के नारे भी गूंजे। तो बजट में एक ये दिशा भी तय है 2022 के चुनाव की कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा, वहां का विकास बड़ा मुद्दा होगा। योगेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में अगर आप यहाँ के जो राजनैतिक पृष्ठभूमि पर अगर नजर डालते हैं तो ये पाएंगे कि यहाँ पर जातिगत और भावनागत ये दो चीजें हमेशा सतह पर रहती हैं चुनाव के परिदृश्य को रखते हुए। अब रहा सवाल अंतिम बजट होने के नाते, और पर मैंने पहले ही जिक्र किया कि भावनात्मक अपना जो लोग हम कह सकते हैं आप, उधर तो ध्यान सरकार की जानना ही जानना चाहते हैं। यह मंशा न सिर्फ राज्य सरकार की रहती है और केंद्र सरकार की भी ये रहती है। तो ये आप कहिए कि अगर आगामी चुनाव के दृष्टिगत अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर राम मंदिर इशू हो या पर्यटक स्थल जितने भी हैं, चित्रकूट हो, वाराणसी हो, अयोध्या हो, तो इस तरफ जो जिस तरीके से ध्यान आकर्षण सरकार का है, जनता जनमानस का जो जिनको अपना वोट बैंक समझते हैं या मानते हैं,
या हिंदुत्व या कह सकते हैं आप जो इनके अपने वोट बैंक के समीकरण है उसके दृष्टिगत वो मुफीद बैठता है। रही सवाल जनमानस से जुड़े हुए समस्याओं की, बात अभी जिक्र कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकाल, तो योगेन जी मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को यहाँ पे कार्यकाल तो छोड़िए, एक विपक्ष का जो कह सकते हैं आप स्थान हासिल करने के लिए चार पंचवर्षीय बीत चुकी, लगभग 3 दशक से ऊपर होने जा रहे हैं, तो वो उसके ये कहना कि कांग्रेस के समय के किए हुए कार्यों का लाभ वर्तमान सरकार ले रही है तो ये पूर्णतया गलत है और ये अतिशयोक्ति है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो विगत सरकारें रही हैं आम जनमानस हमेशा तुलनात्मक, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, मूर्ति पार्कों के सौंदर्यीकरण का मुद्दा हो, इस पर आम जनमानस का ध्यान आकृष्ट होता रहा है। और इस दौरान कोरोना काल में अगर आप नजर डालेंगे तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एक हमारा उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, ये आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम द्वितीय स्थिति पर आता है, आबादी के लिहाज से हम बहुत बड़े राज्य के रूप में माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आम जनमानस से लेकर के और साथ में उसी समय प्रवासी मजदूरों का जो लोड आया या कह सकते हैं उनका जो दबाव आया, उन सब चीजों को लेकर के जिस तरीके की व्यवस्थाएं थी, ये माना जा सकता है कि जैसी अपेक्षा है उतना खरे नहीं उतरे, लेकिन अन्य राज्यों में जो प्रदर्शन होना चाहिए था उसके अनुरूप अगर आप प्रयास किए जाने चाहिए थे वो किए गए, रोटेट करी की तरफ सफलता के लिए ये चुनाव बताएगा। चलिए मैं वापस अलका तिवारी जी का रुख करना चाहूंगा। अलका जी, अभी आपने साहित्य से एक शब्द को सुना होगा, दो कदम चलना को चलना नहीं होता है, वो रास्ता क्या जो मंजिल तक ना पहुंचा है वो कोई रास्ता नहीं, और वो बजट क्या जो जनता को समर्थन, तो मैं इस पे आपका जवाब चाहूंगा। जो अतिथि जुड़े हुए हमारे उनके साथ में कहीं डिस्टर्ब आ रहा है आवाज, या तो आप म्यूट कर लिए अगर किसी की बात चल रही है तो, क्योंकि उससे सबको डिस्टर्ब हो रहा है। जी अलका जी, और रही बात जो उन्होंने बोला कि शिक्षा के लिए नहीं किया, वाहन चलाने चाहिए, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बेसिक शिक्षा के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया है। जूता मोजा स्वेटर वगैरह जो भी चीजें हैं वो बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, और बच्चों के बैग उपलब्ध कराए जाएंगे, बच्चों भी कुपोषित बच्चे आंगनबाड़ी के थ्रू उनको खाना अच्छे से अच्छा खिलाया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। माटी उद्योग, हथकरघा उद्योग, खादी उद्योग, हथकरघा माटी उद्योग शायद बहुत कमी लोगों, शायद हम लोग के दिमाग से इरेज ही हो गई है ये चीजें, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया है। इसकी प्रतिभा को आगे लाने के लिए, रोजगार डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने माटी उद्योग के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा है और इसको जरूर लाएंगे। यही दूसरी बात जो उन्होंने बोला कि काम चलना ही नहीं है, काफी नहीं है, मंजिल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो उनकी बात ठीक है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन उनसे कहना करना चाहूंगी कि 3 साल का अगर योगी जी का कार्यकाल देखा जाए, तो 4 साल रहने वाले हैं और 1 साल तो अगर कार्यकाल देखा जाए, हम तो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और हमें अच्छे से पता है कि क्या कार्य हो रहा है, क्या योजनाएं आ रही है, क्या लोगों किससे उससे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है, तो हम इस चीज से भली भांति परिचित हैं। चाहे कोरोना के टाइम पर जो भी प्रवासी मजदूर आए जिन्होंने अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहा, स्वनिधि योजना आई थी केंद्र सरकार द्वारा, उस योजना का लाभ मैंने खुद कई लोगों को दिलाया है, उसपे लोगों को 10,000 रुपए का लोन गवर्नमेंट के थ्रू दिया जा रहा था, बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पे, जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो। बिल्कुल, मैं वापस आ रहा हूँ अलका जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ रिबू श्रीवास्तव जी, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त। रिबू जी, मैं एक रिएक्शन चाहूंगा, सबसे पहले तो आपका बजट पे क्या कहेंगे? बजट को बहुत कल्याणकारी और वैसा बताया जा रहा है कि आम जन का बजट है। मैं एक आपसे भी जानना चाहूंगा इस बजट को लेकर। जी रिपू जी, आवाज नहीं आ रही है उनकी, आवाज सुनाई दे रही है? रिपू श्रीवास्तव जी, आप मुझे सुन पा रही है? माइक अच्छे क्यों बुलाऊं?
एक लाइन बजट के लिए बोलिए। और जनता के सहयोग से ही इसको और अच्छे से क्रियान्वित कराया जाएगा, बस इतना बोलना चाहिए। जी सर, एयरपोर्ट ऑलरेडी तो रन कर रहे हैं, कुछ बन भी गए हैं उनके लिए बजट, मेट्रो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर देखिए बजट दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म अच्छा वो नहीं है सर, आपको बेनिफिट मिल पाएगा, एक शॉर्ट टर्म आपकी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, उसका बेनिफिट मिलेगा, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अच्छा आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं समझ नहीं पाया। हां सर, सुनिए आप बात करिए, बजट पे जितने भी मद में पैसों का बजट का आवंटन किया गया है उसमें एक आज पैसे का आवंटन किया गया है, तो मुझे ये लगता है कि आज की जो कोरोना के बाद हमारे प्रदेश की या देश की जो स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि व्यक्ति का रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, पर व्यक्ति इनकम कैसे बढ़ाई जाए, और किस तरह से लोगों में रोजगार की बात हो, रोजगार पैदा हो, उसकी आय बढ़े, ताकि अर्थव्यवस्था कुछ सुचारू रूप से चलाई जा सके। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो, और उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा, इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसमें इसके बहुत सारे जो श्रमिक वर्ग के लोग थे वो दूसरे प्रदेशों में जा गए और उनको फिर कोरोना की वजह से वापस आना पड़ा। ऐसे श्रमिकों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी बातें की, उनकी लिस्टिंग की, उनके बारे में ये भी कहा कि उनको जिस तरह का उनका स्किल होगा उसी आधार पर उनको रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ये केवल बातें रह गई, केवल आंकड़े रह गए, केवल डाटा तैयार होता रह गया, लेकिन इसका कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो बजट में सबसे बड़ी बात इस चीज की जरूरत है कि उनकी श्रमिकों की आय कैसे बढ़ाई जाए, उनको रोजगार कैसे दिया जाए, ताकि हम अब उनके खर्चे बढ़े, जब उनकी डिमांड्स होंगी तब जाकर के वो दुकानों पे जाएंगे और क्षेत्रों में जाएंगे जहां से वो कुछ परचेजिंग कर सके, और जब परचेजिंग करेंगे तो उस हिसाब से अर्थव्यवस्था मतलब सुचारू रूप से चलने लगेगी। आज हम बहुत मतलब डिमांड्स लोगों की कम हो गई है, लोगों के पास पैसे कम हो गए हैं, उनकी एक बड़ा सवाल ये है तो सबसे बड़ी जरूरत जिस बात की है उस पे इस बजट पे कोई बहुत बड़ा प्रावधान नहीं किया गया है, और ना ही ये बताए 100 करोड़ रुपए का आवंटन तो किया गया है वो जो प्रवासी श्रमिक है उनके ऊपर, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसके लिए उन
उनको किस तरह से रोजगार दिया जाएगा, किस सेक्टर्स में दिया जाएगा। जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ उसके बाद से एक लिस्टिंग विभागों में बनाई जाती रही, एक बात होती रही क्योंकि स्किल के हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन ये केवल थोड़ी बातें ही रही। महिलाओं के ऊपर जो अभी लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस पर कितना खर्चा किया गया और किस सेक्टर्स में किया गया। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब निर्भया कांड हुआ था आज से 10-12 सालों पहले, उस समय भी एक निर्भया फंड बनाया गया था और वो भी पैसा पूरी तरह से हमारे देश में नहीं खर्च हो पाया। उस फंड को किस तरह से हम खर्च कर रहे हैं, किस तरह से हम अपनी महिलाओं और बहनों बेटियों की सुरक्षा पे खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में भी जो मैप बनाया जाता है वैसा कोई मैप नहीं तैयार किया गया। तो मेरे कहने का मतलब आज जो सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि हमारे आम आदमी के पास पैसा कम हो गया है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है, परचेस पावर कम हुआ है और सारी अर्थव्यवस्था उथल पुलट पुलट हो गई है। इसके लिए इस बजट में क्या प्रावधान है, क्या एकदम एक मैप क्या है, इसके बारे में नहीं बताया गया। और डीजल पेट्रोल के दामों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो जो गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पेट्रोल सस्ते हैं उसके बावजूद भी हमारे यहाँ अगर ज्यादा दाम है, तो इसमें सबसे बड़ा हम अभी इस समय में हम जानते हैं कि इसके जो टैक्सेस से हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चे करते हैं अपने देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा, कानून व्यवस्था के लिए काम करते हैं कर रही है, उंगली उठा रहे हैं। अगर आज जो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम कर दे ताकि पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी कमी आए। अगर वो अभी कुछ दिनों के लिए अगर ये कम करे तो लोगों की जो जेब से निकलने वाला पैसा है थोड़ी बचत होगी। आज के समय में हमारी घरेलू बचत कम हो गई है। सवाल सुनिए अभी, ये जो सवाल है मेरा, एक सवाल है पेट्रोल के दामों से जो हर चीज महंगा हो रहा है, जो खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं, जो सब्जियों की अनाजों की ढुलाई होती है जिस साधन से, उसमें जो कमी आई है उसके कारण जो हमारी घरेलू बचत कम हुई है उससे भी हमारी छोटी छोटी परचेजिंग पावर में कमी आई है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में सवाल सुनिए मेरा, ये हमारे अभी उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसी कोई प्रावधान नहीं आया है। तो हमारे कहने का मतलब कि ये केवल दिखाने वाली चीजें हैं, जो भी पिछले बजट को बढ़ा करके हर बार नया बजट जो आता है उसमें बड़ी बजट की राशि होती है। इससे हम कहां तक जो हमारे लिए प्राइमरी जरूरतें हैं उस पे हम पूरा फोकस अभी इस थोड़ा होल्ड में नहीं लेता। एक सवाल भी लेने दीजिए, सवाल है मेरा, सवाल यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों पे बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरह से गुंडा रास्ता योगी सरकार ने उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की है, और यही बड़ी वजह है निवेशक का रुख अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सवाल सुना आपने मेरा श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों के वक्त कानून व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल चरमराई हुई थी, और अभी वर्तमान में जो कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी है इससे निवेशक फोकस कर रहा है उत्तर प्रदेश की ओर। इसमें आप सुनिए, कानून व्यवस्था का सवाल है मेरा, कानून व्यवस्था से जुड़ा आपकी सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, इसी वजह से निवेशक आ नहीं पा रहे थे, और योगी सरकार के टीम पे निवेशक पहुंच रहा है यहाँ पे। इसमें कुछ नहीं, कुछ का जो बड़ा असर है
उसको और सरकार को ध्यान देना चाहिए, कैसे विड्रॉ करके वैट को और जनता को राहत दे सकती है, इसका जिक्र नहीं किया गया। घोषणाएं बहुत सारी कर दी लेकिन ये लागू कैसे हो पाएंगे, चालू कैसे हो पाएंगे, काम कैसे होगा इनपे, ये कहीं नहीं है। पैसा कहां से आएगा तिवारी जी? अलका जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट किया हुआ है आपने। साहिद साहब आपके पास आना चाहूंगा, आप सवाल सुन पा रहे हैं मेरा? यस जी साहिद साहब, सवाल ये है मेरा जी। अभी आपने सुना रिपु श्रीवास्तव जी को भी सुना, इससे पहले अलका जी को आपने सुना और उनका साफ कहना था कि कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई है, अगर पहले की सरकारें इस पर थोड़ा भी ध्यान देती तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह नहीं होती, उत्तर प्रदेश की काया अलग होती, यहाँ निवेशक आने में होड़ लगी होती। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, अलका जी का भी कहना दुरुस्त है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह हमारे मोदी जी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप फौज के हाथ खुले छोड़ दीजिए और फिर देखिए फौज क्या करती है, इसी तरह अगर आप उत्तर प्रदेश में शासक प्रशासन के हाथ खुले छोड़ दें फिर प्रशासन क्या करता है वो देखिए आप। आज लॉ एंड ऑर्डर तो दुरुस्त है ही नहीं, अगर हमारी अलका जी बहन कह रही है तो सही करिए, वो सत्ता पक्ष की है, अगर उनकी जगह में होता तो मैं भी यही करता, मुझे हर हालत में अपनी बात सही करनी थी। आप ये जान लीजिए कि शराब माफिया जब नकल कसने के लिए जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है, तो आप ये बताइए कि वहां उनके हाथ बंधे हुए इसीलिए तो वो अपने हाथ नहीं खोल पा रहे, फिर बाद में उनको ऑर्डर दिया जाता है, मार दिए, आखिर ये चीज नौबत आती ही क्यों है यहाँ पे, मैं जानना चाहता हूँ। महिलाओं को देख लीजिए आप, महिला के साथ में क्या आज नहीं हो रहा, मैं उसको अपनी जबान से दोहराना नहीं चाहूंगा, अगर वो FIR करने जाती तो FIR नहीं होती, जब धरने प्रदर्शन होते हैं तो उसके खिलाफ FIR होती है, फिर उसको पकड़ा जाता है, क्या है ये छुपा छुपी का खेल क्या है, मैं जानना चाहूंगा। चलिए शिक्षकों के लिए कहा कि हमने 1 से लेकर 8 तक किताबें फ्री दी, इससे पहले अभी की बात है किताबों का नाम बदल करके उन किताबों को फिर से कहना नया कोर्स बच्चों को लेने के लिए मजबूर किया था, अब तक ये क्यों होता रहा है सर? रिबू जी आप सुन पा रही हैं? रिबू श्रीवास्तव जी सुन पा रही हैं आप? मैं दो चीज बोलना चाहती हूं। रिबू जी कानून व्यवस्था को लेके एक सवाल है मेरा, कानून व्यवस्था को लेके उंगली उठाई गई है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया, इसी वजह से पहले स्थितियां उत्तर प्रदेश की इस तरह की रही, आज लेकिन स्थितियां बदल गई है। आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है तो अलका जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी मैं बोलना चाहती हूँ कि सादिक जी की बात पे मैं बोलना चाहती हूँ कि कानून व्यवस्था की बात वो जो कर रहे हैं उनकी बात पूर्णतया गलत है। कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, इस टाइम महिलाओं की सुनवाई तुरंत हो रही है, फोन पे सुनवाई हो रही है, क्योंकि मैं अगर मेरे अपनी खुद की बात करिए तो मैं भी जिन चीज़ों से अगर कभी कभी कोई दिक्कत होती है मुझे तो मैं सिर्फ फोन करती हूँ और फोन पे मेरी FIR लिखी जाती है और काम होता है। मैंने चलिए मैं समा चाहूंगा, समय कम है, आप सब लोगों के काफी सारे आंसर्स भी है, हमारे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। दो चीज बोलनी चाहूंगी सर, एक सेकंड लेना चाहूंगी, आपका बोलना चाहूंगी कि आरोप प्रत्यारोप तो आप करते रहेंगे, सरकार के किए गए अच्छे कामों को उजागर करिए और अगर आप पूर्ववर्ती सरकार ने किए हैं तो उनको भी उजागर करिए, उसके लिए भी हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन जो सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं उनको भी तो उजागर करिए आप, आज के 4 साल पहले जो भी कार्य किए गए हैं, चाहे शिक्षा से लेके हो, चाहे बिजली से लेके हो, चाहे जो भी मजदूरों के लिए, मेरी बहन अलका ने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इनकी बात सुनी जा रही है, सिर्फ इनकी बात सुनी जा रही है, सिर्फ भाजपा की बात सुनी जा रही है, बात तो जब आप सबको साथ लेकर चले, सबका साथ हो, सबका विकास हो, अगर आप सबका साथ सबका विकास। समय का अभाव है और मैं रोकना चाहूंगा, तो योगी सरकार का ये पूर्ण आखिरी पूर्ण बजट इसे कहा जा सकता है, टूरिज्म सरकार ने हर तबके के लिए कार्य किया है, जब से वो सत्ता में आई है 47 साल का ये बजट कितना कारगर हो पाता है, जनता के जहन में कितना उतर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में बोला मैंने ये बजट जनता के लिए।
जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।